एक दर्जन से अधिक गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे लोग। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से मुरादाबाद जनपद में भी लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक के क्षेत्र के दर्जन गांव में बारिश के बाद पहाड़ों से छोड़े गए बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया दिया है। डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। वहीं रनियाठेर ग्राम प्रधान प्रति अविनाश चौहान ने बताया कि एक दर्जन से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घर में घुस गया। पहले तो किसानों को बारिश ने रुलाया और उसके बाद अब बाढ़ के पानी ने धान की सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। वहीं दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी से निजात पाने के लिए प्रशासक से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर जिला अधिकारी और SDM सदर ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जायजा लिया। ये गाँव में पानी आया है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु अविनाश कुमार चौहान प्रदेश सदस्य उत्तराखंड जिला अध्यक्ष मुरादाबाद से भी हूँ और ग्राम पंचायत प्रधानपति भी हूँ। बाढ़ की स्थिति इस तरीके से है कि पानी कल से बढ़ रहा है जोरों से और आज तो कई गांवों का कई दर्जनों गांव जो है बाढ़ के पानी के कोसी के पानी से बहाव से पीड़ित हो चुके हैं और बहुत सारे मकानों में पानी घुस चुका है। ग्राम पंचायत रनियाठेर में ग्राम मेहरोला है, ग्राम हीरापुर है और ग्राम रनियाठेर है। इससे सटे हुए लगाव कई गाँव हैं। गदईखेड़ा हुआ हमारा एक गाँव, इधर जो अटनपुरा है और भैया नगरा है, नहुआ नगला है, बहुत सारे गांव, एक दर्जन आधे दर्जन से ज़्यादा गांव जो है पीड़ित हैं बाढ़ से। हर साल इसी तरीके से सरकार से हम अपील करते हैं, मुआवजा देती है सरकार। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो कोसी का पुल है, हर साल जब बाढ़ आती है तो कोसी के पुल से जो BJP के समर्थक जो हैं किसान, वो जो है ज़्यादा पीड़ित होते हैं हर साल। और उधर की तरफ पे बंदा बना दिया उन्होंने, उधर से तो बाढ़ जाती नहीं है रामपुर से उधर, इधर बंदा बनवानी, कोसी के पुल के बंदा बनवानी, कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। और गांव डूबे हुए हैं, इस गांव में कम से कम आधे दर्जन गांव इधर जो है तुम्हारे लैंड पार्क के डूबे हुए हैं। पानी कब से बढ़ा? आधे दर्जन है पानी जो आज सुबह से ज़्यादा बढ़ा है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना ये चाहेंगे भारतीय किसान भानु के माध्यम से कि माँ किसानों को जो है उचित किसानों की सलाह करके उसके नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ने तय कर दिया 500 रुपये बीघा नुकसान हुआ 50,000 का किसान का, तो उसको हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जिला अधिकारी महोदय से और शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसान के नुकसान के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे प्रथम बात यह है कि ये बांध का इंतजाम सरकार जरूर कराए। इस बार हर साल भाई मुआवजे के तौर पर सरकार पैसा देती है, किसान बैठ जाता है, किसान का नुकसान की क्षति नहीं पूरी होती है। मैं अपील करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री करा सकते हैं इस काम को, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी विधायक हैं जो है समाजवादी के हैं, BJP का विधायक नहीं बन पाया है किसी कारण से, सरकार बनाने में पूरा योगदान रहा है, मगर हमें अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि बंदा बनवाने की कृपा कर रहे हैं और अपील कर रहा हूँ भारतीय किसान भानु के माध्यम से। पानी की स्थिति कैसी है इस टाइम? पानी की स्थिति बढ़ रही है लगातार, जलाशय का पानी बढ़ रहा है, घुस रहा है गाँव में। कितने गांव में घुस चुका है? गांव कब से करीब 12-13 गांव में घुस चुका है पानी। जय जवान। ये मुड़ा पांडे ब्लॉक में लगभग 8 गांव प्रभावित हुए हैं कोसी नदी के जलस्तर में। कल शाम से पानी शुरू हुआ था, अभी पानी आ रहा है। हम लोग पूरी टीम 22 पे सतर्क निगाह रखी हुई है और जैसे ही पानी कम होता है हम लोग इसका सर्वे कराएंगे और जो भी किसानों का इसमें उचित मुआवजा बनेगा, सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उस तरह मुआवजा देंगे।